संपत्ति है। शिक्षा माफियाओं की नज़रें लगी हुई थी। 2014-15 में भी कोशिश की गई थी कब्जा करने की, लेकिन नहीं हो पाया। इस बार डिप्टी रजिस्ट्रार चिट फार्म सोसाइटीज एंड चिट्स इनसे मिल करके इनकी साठगांठ से शिक्षा माफियाओं द्वारा फर्जी रूप से लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य अरिमा रिसाल सिंह को प्रबंधक बना लिया, जबकि डॉक्टर रॉयल आला रॉयल वहाँ के प्रबंधक पहले भी थे। आज इसकी जब जानकारी मिली कि रजिस्ट्रार ने इस तरह का कोई आदेश डिप्टी रजिस्ट्रार ने जारी किया है, तो तत्काल इनके जो बिशप है, सबसे बड़ी अथॉरिटी होती है उन्हीं होते हैं, उन्होंने लाल साहब को कहा, मैनेजर को, कि आप इस पर कार्रवाई करें। पता ये चला कि फर्जी दस्तखत है। देखिए, जो इनके दस्तखत है वो बिल्कुल फर्जी दस्तखत, बिशप साहब के जिनकी डेथ हो गई पहले के, उनके दस्तखत से ये प्रपत्र भेजे गए वहाँ डिप्टी रजिस्ट्रार के। आश्चर्य है कि डिप्टी रजिस्ट्रार के यहाँ 31 तारीख को बाई हैंड उन्होंने रिसीव किया इतना महत्वपूर्ण पेपर, और उसी दिन आदेश जारी कर दिया। सबसे बड़ी चीज़, जो सोसाइटी की साधारण सभा है, उस साधारण सभा को पहले मान्य करना चाहिए। सोसाइटी की साधारण सभा की मान्यता नहीं दी, लिख दिया उसी पे कि इसकी कैशबुक और लेखा पर्ची और ये सब आप जो पूरे पत्रजात जमा करिएगा, साधारण सभा की मान्यता बाद में की जाएगी, और उनकी कमेटी पहले मान्य कर दी। ये बिल्कुल मिली भगत का है कि इससे ज़्यादा कोई उदार हो ही नहीं सकता। और उस कमेटी में अरिमा रिसाल सिंह को प्रबंधक सचिव बना दिया। जबकि एक और बात है कि माध्यमिक शिक्षा अधिनियम में व्यवस्था है, उसके अध्याय तीन के धारा 16(6)(5) में कि कोई भी सहायता मान्यता प्राप्त विद्यालय का प्रधानाचार्य किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय का प्रबंधक नहीं बन सकता, उसके बाद बना दिया गया। जो सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर है कि अरबों रुपए की संपत्ति कब्जाने के लिए वहाँ पर बिना किसी आदेश के जिला विद्यालय निरीक्षक ने आज तक मान्य नहीं किया अरिमा रिसाल सिंह को। ये गुंडे बदमाशों के साथ में आ घुसे, सेंट हेलियर इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य से जबरदस्ती इस्तीफा लिखवाया, जो क्रिश्चियन इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य से 25 अगस्त को जबरिया इस्तीफा लिखवा लिया, और अनियमित रूप से मनमाने तरीके से प्रधानाचार्य बना दिए। आज वहाँ पर उनका कब्जा है, जिला विद्यालय निरीक्षक ने आज भी मान्य नहीं किया। और भी शिकायत मिली है कि बच्चों से मात्र हमारे जो सहायता प्राप्त विद्यालय है, वार्षिक शुल्क 500 रुपये होता है, 510 3,000 रुपये प्रति छात्र वसूली की जा रही है। जो सेल्फ फाइनेंस कक्षा है वो भी चलाने की बात कर रहे हैं, और उसमें 30,000 से 40,000 रुपये लिए जा रहे हैं। तो ये एक तरह से बना हुआ, जो इन्होंने कब्जा करने का प्रयास किया था 19 जुलाई को, तो जो लॉयर है, जो प्रबंधक है, मैनेजर है, उन्होंने एक FIR दर्ज कराई थी वजीरगंज थाने में। 15 लोगों का नाम है अरिमा रिसाल सिंह, ये सब इसमें है।